सत श्रीकाल दोस्तों, मैं गुरविंदर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरविंदर होम पर। दोस्तों अभी हम देखने जा रहे हैं घर जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, महज 10 मिनट के डिस्टेंस पे, और एक ऐसी लोकेशन पे है जहां पे आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, एप्रिसिएशन हो, रेंटल हो, या फिर अपने खुद से चैन से रहने का। तो दोस्तों घर के आसपास आपको मार्केट वगैरह सारी पूरी मिल जाएगी, हॉस्पिटल मिल जाएंगे, कॉलेजेस मिल जाएंगे, सो रेंटल भी आपको अच्छा खासा आने वाला है, और आईटी पार्क भी आपके घर से महज 10 मिनट के डिस्टेंस पे रहने वाला है। और अगर बात करते हैं आपकी सोसाइटी की, तो यह बिल्कुल एक गेटेड रहेगी, सुरक्षित रहेगी। यहाँ पर आपको क्लब हाउस मिल जाएगा जिसके अंदर स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, वो सारी चीज़ें मिलने वाली जो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे घर पे हो। तो दोस्तों सीधा घर पे चलते हैं, क्योंकि अब एक लग्जरी घर है, 3 बेडरूम हॉल किचन, तो सीधा पहुँचता है घर पे। तो ठीक, यहाँ पर आपका कॉरिडोर जहाँ पे लिफ्ट्स आपको मिलने वाली हैं, और दूसरी तरफ आपको मिलेंगी स्टेज जो कि काफ़ी बड़ी हैं, और ठीक इन दोनों के बीच में रहेगा आपका घर जो कि आपके मेन डोर के साथ हमें नज़र आने वाला। तो काफ़ी बड़ा डोर आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि एक लग्जरी फील आपको यहीं से देनी शुरू कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन रहने वाले हैं, तीनों बेडरूम्स के हिसाब से। तो अभी हम देखने आ रहे हैं 3 बेडरूम जो कि 1750 स्क्वायर फीट के अंदर है। तो एंटर करते हैं, हमारे पास एक छोटा सा कॉरिडोर एरिया आता है जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इस तरफ आप अपना मंदिर बनाएं छोटा सा, और बाकी एरिया को किसी भी तरीके यूज़ करें। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके पास कोई डिलीवरी बॉय आता है तो अंदर तक नहीं आ पाता, यहीं से आप उसको रवाना कर देते हैं। तो उसके बाद हम पहुँचते हैं अपने ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में, जो कि एल शेप के अंदर काफ़ी बड़ा है, खुला डुला है। देख ही समझ आता है कि यहाँ पर जो स्पेस है वो वाकई बड़ी औसम आपको मिलने वाली है। तो एक तरफ देखेंगे यहाँ से वहाँ तक खुली डुली जगह मिलेगी, और दूसरी तरफ आपके पास है वहाँ से यहाँ तक आपके ड्राइंग एरिया की, जो कि काफ़ी खुली है, और सीलिंग पर भी एक अच्छा डिज़ाइन आपको पूरे घर के अंदर यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा हर रूम में जो वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरफ जो है आपकी विंडोज़ आपको मिलने वाली हैं, जो कि बड़ी आपको मिलेंगी, और ये देखिए आपकी बालकनी जो कि काफ़ी बड़ी है, इसको अच्छे से आपको बाहर से दिखाऊंगा। तो स्पेस आपको अंदर जितनी मिल रही है बाहर भी वैसी मिलने वाली है। तो यहाँ से इस तरफ आते हैं डाइनिंग की तरफ, तो यहाँ भी आपके पास जो जगह है वो बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। तो एक प्लेग्राउंड वाली फीलिंग जो होती है अपने घर के अंदर मिलती है, वो आपको यहाँ पर नज़र आती है। ये हम सब चाहते हैं कि हमारा घर सिर्फ बड़ा ना हो, एक खुला डुला भी हो, तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आपको यहाँ पर आने वाली है। तो ठीक, यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया जहाँ पे हमने 6 सीटर आपका रखा हुआ है, सो स्पेस आप देख रहे हैं, और ठीक आप देखेंगे कि ऊपर सीलिंग पर ऐसे ही काम मिलने वाला, और इसके सामने आपको जो है किचन मिलेगी। किचन आपके पास काफ़ी बड़ी है, और यहाँ पर बिल्कुल हमने ड्राइवर बेड का सब बिल्कुल अलग कर दिया है। एल शेप के अंदर एक खूबसूरत किचन आपको मिलती है, जो कि डुअल टोन के अंदर आपको मिलती है। ऊपर हमने सारे कैबिनेट्स को डिज़ाइन किया गया, जो कि ग्लॉसी सनमाइका के साथ है, और अंदर से भी लैमिनेट आपको मिलेंगे। इसके अंदर शेल्फ्स लगानी बस बाकी है, और इसके बाद ये पूरी किचन तैयार है। तो इनकेस अगर आप लोन की वेट भी कर रहे हैं, 80% आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा, और विद इन 2 मंथ्स आपको यहाँ पर पोजेशन भी मिल जाएगा। तो हाइड्रोलिक्स भी आपको यहाँ पर बीच में मिलने वाले हैं, तो लुक्स और क्वालिटी आपको बिल्कुल औसम यहाँ पर मिलने वाली। और खास बात बता दूँ, आपकी किचन जो है, सॉरी आपका घर जो है, वो माइवन कंस्ट्रक्शन है, तो पूरा कॉन्क्रीट है, कोई भी ब्रिक नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका पेंट्री यूनिट, जहाँ पर मैक्सिमम स्टोरेज आपकी कवर अप कर लेता है। इसके अलावा हमने इस किचन के अंदर बहुत सारे ड्रॉर्स भी यहाँ पर डिज़ाइन किए, क्योंकि ये डेली रूटीन में आप जितना भी सामान रखते हैं, आपके जितने भी बर्तन होते हैं, तकरीबन आपके यहीं पर आ जाते हैं। इजीली सारा सेटअप आपका एक किचन में हो जाता है, और एक किचन जो होती है, एक ऑर्गेनाइज किचन वाली जो फील होती है, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों जब भी आप चंडीगढ़ की तरफ आते हैं, तो खरड़ के रास्ते में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और रेंटल यहाँ पर इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि आसपास जो कॉलेजेस और आईटी पार्क, इस बिल्कुल आपका पास में आ जाता है। और ठीक इस किचन के इस तरफ आपको देखेंगे, आपका मिल जाएगा वेट एरिया, जहाँ पर सिंक आपको मिल जाएंगे, सो डिशेज़ को आप यहाँ पर वॉश कर सकते हैं। तो हमने इसको यहीं पर सेटिंग कर दी है, कोई आपका जो है अलग से बालकनी रखी, और ठीक यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस। तो सारा काम आपकी आंखों के आसपास रहेगा, और बड़ी किचन का मज़ा भी आप पूरा लेने वाले हैं। तो पूरे घर में ना आपको यही फीलिंग हर जगह आपको मिलती है, और देख रहे हैं लाइट्स आपको हर रूम में ऐसी नज़र आएंगी। ठीक, हमने यहाँ पर आपके लिए कॉमन वॉशरूम रखा है, सो दैट आपके जो गेस्ट हैं उनको आपके बेडरूम में जाए बिना आप बिल्कुल यहाँ पर फ्री हो सकते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। इसको मैं किड्स बेडरूम भी कह सकता हूँ, काफ़ी बड़ा है, 12.5 फीट का है, लेकिन स्टिल मैं किड्स बेडरूम इसमें कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी बेडरूम इससे कहीं बड़े आपको मिलते हैं। सो जगह आपको अच्छी खासी मिलने वाली है, बेड के आसपास आप देख सकते हैं स्पेस आपको बहुत अच्छी यहाँ पर नज़र आने वाली है, और एक अपने घर वाली फीलिंग जो होती है वो पूरी यहाँ पर मिलेगी। तो स्टोरेज यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है, सीलिंग की हाइट तक रहेगी। स्लाइडर्स हमने यहाँ पर लगाए हैं, सो दैट आप जैसा भी सामान आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज आपकी यहाँ पर हो जाएगी, कैपेसिटी यहाँ पर रखते हैं ये। सो दोस्तों अगर आप रेंटल के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर जो अगर 1 BHK का रेंट जो है वो भी आपका 15 से 18 हज़ार आपको मिल जाता है कई बार, और 2 BHK आपका अराउंड 20 से 25 थाउजेंड, और 3 बेडरूम आपका 30,000 प्लस आपको मिल जाता है। तो रेंटल्स यहाँ पर बहुत अच्छे, आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाती है, प्लस एप्रिसिएशन बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको मिलती है। तो अभी हमें बिल्कुल मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में
जो कि काफ़ी बड़ा है और अच्छे डिज़ाइन के साथ है। ड्यूल टोन आपको मिलेगा, जैगुआर्स की सारी फिटिंग्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो डिज़ाइन अच्छे हैं, लुक्स अच्छी हैं और अपने घर के हिसाब से पूरी चीज़ आपको पूरी प्रॉपर मिलती है। और यहाँ पर आप फ्लोरिंग देखें तो वुडन स्टाइल के साथ मिलेंगे और यहाँ पर बेडरूम आपका है 15 फिट का, जो कि काफ़ी बड़ा है और अच्छा स्टाइलिश के साथ आपको मिलता है। आपको जो लाइट्स हैं वो सारी तरफ से आने मिलते नज़र आएंगे, क्योंकि हर रूम के अंदर आपको एक बड़ी विंडो आपको नज़र आती है और हर विंडो आपकी बालकनी से अटैच है। तो यहाँ पर आपकी जो है बड़ी सी वार्डरोब, जो कि नीचे से ऊपर तक आपको सीलिंग की हाइट तक रहने वाली है, ग्लॉसी लुक के साथ है, एक अलग फील आपको आती है। तो ठीक है, यहाँ पर आपकी विंडो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, दूसरी विंडो आपको यहाँ इस तरफ मिल जाएगी। तो बेड के आसपास अगर आप देखेंगे दोनों तीनों तरफ पूरी जगह आपको मिलती है। सो इजीली अगर आप टेबल चेयर और कुछ भी रखना चाहें तो बहुत आराम से आप रखेंगे, जगह आपको पूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम आपकी विंडो को देखते हैं, खोलकर देखते हैं, क्योंकि स्पेस यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है और मैं चाहता हूँ कि आप इस बालकनी का पूरा मज़ा लें। आप देखें यहाँ से लेकर वहाँ तक बिल्कुल 46 फीट की आपकी बालकनी है। तो शाम को खाना खाने के बाद यहाँ पर पूरी अंगड़ाइयाँ आप लेने वाले हैं। सो एक अच्छी बालकनी का मज़ा होता है ये पूरा। आपके सारे रूम्स यहाँ पर अटैच मिलने वाले हैं और सारी विंडोज़ टफन ग्लास के साथ आपको मिलेंगे, स्लाइडर्स के साथ। सो एक अलग ही चीज़ आपको मिलती है, पूरी सिक्योर्ड एरिया के अंदर आपका घर रहता है यहाँ पर। तो दोस्तों एक आपसे एक गुजारिश भी रहेगी मेरी कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और स्नैपचैट पर सेम गुरविंदर होम के नाम से। सो हम आगे पहुँचते हैं बिल्कुल यहीं से आपके होते हुए आपके गेस्ट बेडरूम की तरफ, जो कि आपके घर का थर्ड बेडरूम है। तो जगह आपको यहाँ भी पूरी मिलने वाली है, 15 फीट की स्पेस आपको अगेन यहाँ पर मिलेगी। तो बेड के दोनों तीनों तरफ पूरी जगह आपको मिलेगी जो आप इंजॉय करने वाले हैं। तो रूम स्पेस अगर अच्छी हो तो एसी की कूलिंग भी अच्छी होती है और वैसे ही मज़ा आता है। बता दो एक बार फिर से कि आपका घर जो बिल्कुल माइवन कंस्ट्रक्शन है, तो माइवन कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि कोई ब्रिक नहीं है आपके घर में, दीवारों में भी आपको सरिया और सीमेंट ही मिलने वाला है। तो पूरा कॉन्क्रीट है, लाइफ लॉक चलने वाला, जैसा भी भूकंप आए, कोई भी बाढ़ आए, इस घर को कुछ नहीं हो सकता। सोसाइटी अप्रूव्ड है, बिल्कुल रेरा रजिस्टर्ड आपको सोसाइटी मिलने वाली है, हर तरह के जो अप्रूवल से इसको क्रॉस किया गया। तो यहाँ पर आपकी जो रहेगी बालकनी जो हर बेडरूम से जुड़ती है, यहाँ से अगेन वहाँ तक पूरी 46 फीट की। तो एक बालकनी जो आपके हर रूम को कनेक्ट करती है, तो इस घर में आप बालकनी से भी हर रूम से कनेक्ट हैं और सेकंड अपने ड्राइंग और डाइनिंग एरिया से। तो एक मज़ेदार चीज़ है, आप अपने घर से, अपने परिवार से हर तरह से कनेक्टेड रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ, चैनल पर बने रहें और फिर मिलेंगे ऐसे एक घर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त लूँगा आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।